आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो द क्वेश्चन इज, द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज, ए क्राउन, बी कैनोपी, सी सैपलिंग, डी ह्यूमस। सो गाइस, हमें बताना है जो ब्रांची पार्ट रहता है ट्री का स्टेम के ऊपर वो क्या कहलाता है, ठीक है। सो गाइस, अगर यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहला ऑप्शन है क्राउन, ठीक है। तो जो ब्रांची पार्ट रहता है जिसमें सारे के सारे क्या रहते हैं, ब्रांचेस एंड लीव्स रहते हैं, ठीक है, लीव्स प्रेजेंट होते हैं अबव द स्टेम, उसको हम बोलते हैं क्राउन, ठीक है। देन बात करें कैनोपी की, तो जो ब्रांची पार्ट रहता है, ठीक है, एक ट्री का, जो कि किस तरीके से एक्ट कर रहा है, रूफ की तरह एक्ट कर रहा है, रूफ लाइक स्ट्रक्चर ओवर अदर ट्री, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कैनोपी, राइट। देन तीसरा ऑप्शन है सैपलिंग। सैपलिंग जो होती है, दे आर यंग ट्रीज, तो मतलब ये छोटे छोटे जो हमारे ट्रीज होते हैं उनको हम सैपलिंग्स बोलते हैं। देन आता है ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है गाइस, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर है जो कि किससे बनता है, ये बनता है डिकम्पोजिशन से, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्री अबव स्टेम इज नोन एज, ऑप्शन ए क्राउन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।